अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो गई मेरी सारी YT फैमिली ने जो भी जहाँ जहाँ मुस्लिम वर्ल्ड में ईद थी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट की होगी, बहुत इंजॉय किया होगा। आज है ईद का थर्ड डे और आज मैं आपके साथ अपने फर्स्ट और सेकेंड डे की ईद की रूटीन और हमने कैसे ईद सेलिब्रेट की और क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो सारी शेयर करूँगी। थर्ड डे की वीडियो इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो खैर, ये था ईद का फर्स्ट डे। एज़ आई टोल्ड यू कि ईद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करनी क्योंकि लास्ट वीक एक एनी वेज मैं आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दैट, बट स्टिल अनाया पिछला जो आपने ड्रेस देखा है वो दैट वॉज अनाया ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का मस्टर्ड कलर का वो ड्रेस था जिसके साथ गरारा था, जो कि आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे कि ओवरऑल उसकी लुक कैसी थी। वो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, आपसे शेयर करती हूँ। और ये था मेरा ईद का ड्रेस जो कि मारिया बी से मैंने बाय किया था अनस्टिच, और इसको मैंने फिर इस तरह से स्टिच कराया। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रहा था। इसका दुपट्टा जो है नेट का था और ये डिफरेंट पैचेस में था, मतलब थोड़ा इसको जो है स्टिच कराना डिफ़िकल्ट था, बट ओवरऑल ड्रेस वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके साथ लाइट सा हल्का सा बिल्कुल जो है पेसी टोन में बिल्कुल लाइट सा न्यूड मेकअप किया था और बाकी मैंने सिंपल गेटअप भी किया था। और उसके बाद हम चले गए अपने इन लॉज, फिर मैं मम्मी के घर गई, देखे अनाया क्या डिमांड कर रही है। ये क्या हो रहा है अनाया? किससे ले लो? सिर्फ 500? आदम बाबू फिर हम ईद पे बहुत सारी और जगह भी गए थे, बट ड्यू टू सम प्राइवेसी, हर फैमिली की अपनी प्राइवेसी होती है तो वो मैंने आपसे शेयर नहीं कर सकती। सो ईद का डे ऐसे गुजर गया और उमर ने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट ला के दिया था ईद पे, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट था जो कि मुझे मिला ईद वाले दिन और मुझे बहुत पसंद आया। ये है जे का परफ्यूम, आई थिंक सुपरस्टार इसका नाम है, और सुपरस्टार बाय हुमायूं सईद ना, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही क्लास की है। मैं इसके जो नोट्स हैं डिटेल्स हैं इसकी पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूंगी। अगर आप कोई अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड बाय दिस परफ्यूम, इट इज़ वेरी गुड। इसकी ना बड़ी अच्छी सी फ्रेश फ्रूटी और मतलब मिक्स फ्रेगरेंस है इसकी, और इसकी पैकिंग देखें आप, इसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत है। इसके अंदर मिरर लगा हुआ है और ये स्टार, क्योंकि इसका परफ्यूम का नाम ही सुपर स्टार है तो ये स्टार टाइप बॉटल, स्टार की बॉटल में इस तरह से आया है, और इसके जो पैकिंग है इसके अंदर वो लगी हुई है, मिरर लगा हुआ है। सो एज अ मिरर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिला जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया और आई एम यूजिंग इट एंड आई लव इट। एक्चुअली जे के परफ्यूम जो होते हैं ना बहुत रिजनेबल होते हैं, 1500-1000 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड जाते हैं, लेकिन ये परफ्यूम थोड़ा एक्सपेंसिव साइट पे था। आई थिंक कि ये 5500 से 6000 के दरमियान में कहीं जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो अगर आपको कुछ कोई अच्छा परफ्यूम लेना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस परफ्यूम। अब ये है ईद का सेकेंड डे, इवनिंग का टाइम हो रहा था, सारा दिन तो सो के गुजार दिया हमने, तो इवनिंग में जो है हमारा प्रोग्राम बना के हम कहीं जाके बुफे डिनर करते हैं एंड वी प्लान टू गो टू सरीना, जो कि अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि सरीना में हमें क्या क्या बुफे डिनर में खाया। सो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। इस तरह से जो है हमारा ईद का फर्स्ट और सेकंड डे ऐसे गुजर गया। दूसरे दिन हमने डिनर किया। सरीना का जो डिनर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे उतना बुफे डिनर पसंद नहीं आया, इससे अच्छा मैरियट का डिनर है। प्राइस वाइज अगर आप बात करें तो दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल ही पड़ते हैं, लेकिन मैरियट के जो बुफे डिनर है उसमें एक स्पेशलिटी है, आप उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं। कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू नो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 5200 का जो मैरियट का बुफे डिनर है आप उस पर डिस्काउंट्स कैसे अवेल कर सकते हैं।
सेरिना का जो है 34,000 आप लगा लें पर हेड है, लेकिन उनके ना तो कोई उतनी जो है क्लास की डिशेस हैं, आप आगे देखिएगा अभी। तो मुझे पर्सनली जो है सेरिना का बुफे डिनर पसंद नहीं आया, मे बी लोगों को पसंद होता हो, क्योंकि ना उनके पास उस तरह से वैरायटी ऑफ डिशेस थी जैसे बुफे डिनर में नॉर्मली होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा वो प्राइस पे के अगेंस्ट, और ना ही उस तरह का टेस्ट था। इससे ज़्यादा अच्छा मैरियट का बुफे डिनर है, और भी दो चार जगहें हैं जो कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। बट ये है मेन्यू उनका डेजर्ट्स का। इसकी ये डेजर्ट बार थी उनकी, डेजर्ट बार में भी बहुत लिमिटेड थे और वो रिफिल भी उस तरह से फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिसिंग थी, लाइक ब्लैक फॉरेस्ट केक का जो है पूरा जो है साइड वो एम्प्टी थी। उसके अलावा पुडिंग्स दो तीन डिफरेंट तरह की लेबल हुई हुई थी वो एम्प्टी थी यहाँ पे, और मतलब लाइक दिस ना, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डिसअपॉइंट किया बेसिकली सेरिना के बुफे डिनर ने। सैलेड बार भी उतनी तगड़ी किस्म की नहीं थी। ये सीज़र सैलेड की वो थी बार के, आप अपने हिसाब से इसको सीज़र सैलेड को असेंबल कर सकते हैं। ये फ्रूट के छोटे छोटे बाउल्स बने हुए थे और ये चीज़ का सेक्शन था। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीलॉग में इंशाल्लाह मैरियट का बुफे डिनर भी दिखाऊंगी। वो बहुत ही जो है ना लेविश किस्म का होता है और बहुत ही वैरायटी ऑफ मेन्यू होते हैं उसमें। ये दो तीन सा इसमें ड्रेसिंग वो थी चटनियाँ, जबकि एज़ कम्पेयर टू मैरियट उनकी प्राइस भी सेम है और जो है मेन्यू उनका बहुत तगड़ा होता है। बस ये सैलड थी, उसके बाद ये होमस था यहाँ पे, और इसके अलावा बीट रूट का एक होमस टाइप ही पेस्ट था, इसको बीट रूट नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। उसके अलावा ये कुछ राइस की डिश बनी हुई थी। इधर जो है ये एक सूप टाइप मेन्यू था। अच्छा, बारबेक्यू आइटम्स भी टू माय सरप्राइज, सिर्फ एक मलाई बोटी इन्होंने रखी हुई थी जो कि आपको टेबल पे ही सर्व करते थे। ये चिकन तेरियाकी या चिकन की कोई एक किस्सा की, और ये स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं, बटर बटर स्टीम बनी हुई थी। और उसके बाद जो है ये नरगिसी कोफ्ते हैं, इसकी भी असेंबलिंग आपने खुद करनी थी। ये इसी का ग्रेवी है साथ में उसके, मतलब इसी किस्म का मेन्यू था। इसके अलावा बिरयानी और एक कीमा करेले और इस किस्म की चीज़ें थी, बस दो तीन, दैट्स दो तीन चीज़ों में बिरयानी थी, माश की दाल थी और मटन का कोरमा, ये इनका टोटल मेन्यू था। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि हमने ईद के फर्स्ट 2 डेज़ क्या किया, और उसके बाद थर्ड डे हम घर पे ही थे। उसके बाद से हम घर पे ही हैं। कुछ और एक चीज़ चल रही है मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी जब वो उस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अनटिल दैट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें। मेरी ये ईद की वीडियो जो कि बहुत डिले हो गई है, इसको इन्जॉय करें। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।